प्रदेश सरकार द्वारा शहर श्रेष्ठ योजना के अंतर्गत नगर परिषद हाल में एसडीएम शिल्पी वेक्टा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर परिषद हमीरपुर के पार्षदों ने भाग लिया। बैठक में स्वच्छता मिशन के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा करने के साथ ही हमीरपुर शहर को स्वच्छ व कचरा मुक्त बनाने पर विस्तार पूर्वक चर्चा भी की गई। एसडीएम ने नगर परिषद ईओ तथा पार्षदों को निर्देश दिए हैं कि वो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन योजना के तहत प्रत्येक घर दुकान से नियमित रूप से कूड़ा उठाना सुनिश्चित करें, ताकि शहर को सुंदर व आकर्षक बनाया जा सके। उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों तथा पार्षदों को परस्पर समन्वय के साथ साथ समय समय पर जागरूकता कैंपों के आयोजन कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक व संवेदनशील बनाने को भी कहा। इसके अतिरिक्त बैठक में नगर परिषद कार्यालय में सफाई कर्मचारियों तथा गाड़ियों की संख्या को बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। शहर में सीवरेज कनेक्शन को लेकर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई तथा जहां कहीं समस्या आ रही है उसके हल के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। एसडीएम शिल्पी ने कहा कि नगर परिषद ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाकर लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक कर स्वच्छता के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करे, ताकि स्वच्छता मिशन कार्यक्रम को पूर्णतः सफल बनाया जा सके। उन्होंने नगर परिषद अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्वच्छता को लेकर 3 महीने का लक्ष्य रखें तथा जिन वार्डों में सफाई की अत्यंत आवश्यकता है वहां अन्य वार्डों की अपेक्षा ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जाए। उसके अलावा नगर परिषद में जो नॉर्मल वर्किंग दिक्कतें आ रही हैं उसको लेकर भी ये चर्चा यहाँ पे आज हुई है। जैसे सीवेज कनेक्शन की दिक्कत हो या पानी की पाइपों की दिक्कत है, नालियों की सफाई हो गई, स्टाफ कम है यहाँ पे, पिछले 15-20 साल से सैनिटरी इंस्पेक्टर नहीं है, फंड्स को लेकर चर्चा हुई है, तो ये मेन मुद्दे हैं। इस मौके पर नगर परिषद के उपाध्यक्ष दीप कुमार बजाज ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगर परिषद में चलाई जा रही गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने शहर में सफाई व्यवस्था को बेहतर व सुचारू बनाने के लिए सफाई कर्मचारियों तथा टिप्परों की संख्या में बढ़ोतरी का आग्रह भी किया। परिषद की मीटिंग एसडीएम महोदय ने की अध्यक्षता में हुई, जिसमें उन्होंने नगर परिषद क्या दिखते हैं इसके बारे में चर्चा की। हमने उन्हें खुले मन से बता दिया कि 17,000 की आबादी जो सरकारी कागजों में है, जबकि आबादी हमारी 45,000 से 50,000 तक है। कर्मचारी हमारे पास 17,000 की आबादी के हिसाब से हैं, जबकि सफाई कर्मचारी हमारे पास कई 70 तक हैं। ये हमें कम से कम 107 बीट होने का कारण 107 आदमी तो हमें वहाँ भेजने चाहिए, कुछ हमारे टॉयलेट पे हमें आदमी भेजने चाहिए। यह हमें कोई 150 तक आदमी मिलना चाहिए। हमारे पास बड़े बड़े 56 कंटेनर जो हमें शहर में रखे गए हैं 107 बीट में 11 वार्ड में, तो हमारे पास 3 गाड़ियां हैं जो उनको उठा के हमारे वो कूड़ा क्षेत्र पर ले जाती हैं, तो एक गाड़ी दिन में 6 चक्कर जो है जाए लगा सकती है। तो अगर 3 गाड़ियां भी ठीक तरीके चलें तो 18 कंटेनर रोज के उठते हैं, जबकि स्वच्छता अभियान के तहत वो 56 कंटेनर ही रोज उठने चाहिए, चाहे उसमें कूड़ा थोड़ा है या ज़्यादा है। तो इसलिए हमने वो भी प्रार्थना की कि गाड़ी का प्रबंध हो जाए, कुछ लेबर का प्रबंध हो जाए। IPH वाले 10-15-20 साल से कह रहे हैं कि जो इनकी पाइप हमारे गंदी पानी की नाली से जाती है, 10-15 का गुच्छा चलता है, उसने हमारे सफाई अभियान को काफ़ी धक्का लगता है। सफाई वहाँ नहीं हो सकती है, पानी वहाँ नहीं बहता है, खड़ा हो जाता है, उसको IPH वाले करें। सीवरेज व्यवस्था उन लोगों के घरों में रुकी है जहाँ लोग डलवाना चाहते हैं, नगर परिषद डालना चाहती है, लेकिन कुछ लोगों की भूमि उनकी लाइन पाइप में आएगी, जहाँ से पाइप गुजरेगी वो नहीं जाने देते हैं, क्योंकि कानून कुछ ऐसा है। तो सरकार को चाहिए इस कानून को भी देखे। और हमारा तो यहाँ तक कहना है कि जब कुछ साजी चीज़ें जैसे वाटर सप्लाई पाइप सब लोगों की ज़मीन से जाती है, बिजली की तार सब लोगों की ज़मीन से जाती है, तो दूसरे सीवरेज भी सब लोगों के इससे जाती है, रास्ते गलियां सब लोगों के इससे जाती है, तो जो आदमी इसको ना दे तो उसकी बाकी जो उसको साधन है जो चलने का है या वाटर सप्लाई पाइप गई है तो इसे क्यों ना काट दी जाए। लेकिन